हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हर्पेटोलॉजी पता होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है हर्पेटोलॉजी क्या होता है, एक ऐसी जो ब्रांच जूलॉजी की जहाँ पे हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं, जैसे स्नेक्स हो गए हैं, टर्टल्स हो गए हैं, इगुआनास हो गए हैं। ठीक है, अब अगर स्नेक्स का अगर कभी भी क्लासिफिकेशन आता है तो ध्यान में रखना है दे बिलोंग टू द क्लास रेप्टाइल। ओके, इनकी जो सब क्लास होती है, मतलब क्लास के जो नीचे वाला जो टर्म होता है सब क्लास होता है, ऊपर वाला जो होता है सुपर क्लास होता है। तो सुपर क्लास अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं क्लास से तुम्हारा बस स्टार्ट कर रही हूँ। सब क्लास जो है एनेप्सिडा है, सुपर ऑर्डर जो होता है लेपिडोसॉरिया है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्क्वामोटा में ये तुम्हारे ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, और जो सब ऑर्डर है वो ओफिडिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, अगर वीनम की बात करते हैं तो कब एक क्वेश्चन हुआ मैंने तुम्हें कराया भी था कुछ टाइम पहले, ये जो वीनम है वो कहाँ से सीक्रेशन उसका देखने को मिलता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होती है, वहां से इसका सीक्रेशन देखने को मिलता है, या फिर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, ये लिखा आ सकता है तो इसको याद रखना है, यहाँ से तुम्हारा जो टॉक्सिक है उसका सीक्रेशन जो है देखने को मिलता है। अब जो वीनम है, बेसिकली जो पॉइजनस स्नेक हम बोलते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के पॉइजनस यहाँ पे सीक्रेशन कर सकते हैं। जैसे वो हो सकता है न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है हीमोटॉक्सिक हो सकता है मायोटॉक्सिक हो। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या है, एक ऐसा टॉक्सिन जो तुम्हारे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हो गया है, नर्व्स को हो गया है, नर्वस सिस्टम को पूरी तरह अफेक्ट करे, उसको न्यूरोटॉक्सिक यहाँ पे बोला जाएगा। हीमोटॉक्सिक बेसिकली हीमो का मतलब क्या हो गया, ब्लड हो गया है। तो एक ऐसा टॉक्सिन जो तुम्हारे आरबीसी का डिस्ट्रॉय कर दे, ब्लड क्लॉटिंग को डिस्ट्रप्ट कर दे और ऑर्गन डीजनरेशन कर दे, वो हीमोटॉक्सिक में तुम्हारा इंक्लूड किया जाएगा। मायोटॉक्सिक का मतलब है, मायो का मतलब क्या है बेटा, मसल से है। मायो का मतलब किससे है, मसल से है। तो एक ऐसा टॉक्सिक जो तुम्हारा सीवियर मसल नेक्रोसिस कर दे, मसल्स को जो सेल है उसको डाई करवा दे, उसकी उनकी डेथ करवा दे, तो उसको मायोटॉक्सिक बोला जाएगा। तो ये तीन टाइप के जो नेचर है वो देखने को मिलते हैं वीनम के। तो अब हम आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, तो स्नेक विनम होता है, क्लियर होता है, येलोइश वाटर सॉल्युबल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्नेक विनम की बात करते हैं तो कौन सी एंजाइम देखने को मिलती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है उसमें देखने को मिलेंगी। जैसे फॉस्फेटेडेज हो गया है, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप का जो वहां से रिमूव करेगी, न्यूरोटॉक्सिन हो गए हैं, एरेप्सिन हो गया है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देगी इंटू द अमाइनो एसिड, कोलिनेस्टरेज हो गए हैं, हाइलोनिनेज हो गई है, राइबोन्यूक्लिसेज हो गई है जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स पे भी अफेक्ट करेंगी, और ऑक्सीडेजेस हो गई है। तो ये इंसान जो है वहां पे काम करती है, और तभी जो इंसान है अगर जैसे ये जो वीनम है पास होता है तो बॉडी जो है पूरी के पूरी तरह वहां पे काम करना बंद कर देती है। देखो, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक से चीजों को डिस्कस करेंगे। ये कोटपाल का एक फिगर है जो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखते हैं, जब हमें कभी भी पता करना है कि कौन सा जो स्नेक है वो पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ये वाला जो स्नेक है वो पॉइजनस है और ये वाला नॉन पॉइजनस है। तो पहली बात हम देखते हैं उनकी टेल रीजन को, टेल रीजन को देखते हैं। अगर उनकी टेल रीजन बेटा ऐसी है, अगर उनका टेल रीजन ऐसा है, मतलब क्या हुआ, एक फ्लैट टेल है, अगर ये फ्लैट टेल अगर तुम्हें देखने को मिलती है कहीं भी, तो तुम मान जाना है कि सी स्नेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोफिस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोफिस की बात कर रहे हैं, सी स्नेक की बात कर रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर टेल जो है ये तुम्हारी लिटरली कंप्रेस्ड है, ऐसी है, सिलेंड्रिकल टेल है बेटा, ये सिलेंड्रिकल टेल है अगर, तो ये देखो ये तो तुम्हारे सी में ही मिलेंगे, ये तो पानी में ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल टेल होती है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और सी में भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो टेल के बेसिस पे हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उनके बेली स्केल, मतलब उनके जो पेट में जो स्केल्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो बेली स्केल अगर बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे अगर देखा कि बहुत छोटे छोटे स्केल्स हैं और कोई भी स्केल जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है बेली को, आधा आधा कवर कर रहे हैं, तो जब छोटे छोटे बेली स्केल होते हैं ऐसे जो होते हैं नॉन पॉइजनस देखने को मिलते हैं, नॉन पॉइजनस देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी किसी में क्या होते हैं, बड़े बड़े स्केल्स होंगे, जैसे ये बड़े बड़े स्केल्स हो गए, लेकिन ये कंप्लीटली यहां तक रीच नहीं कर रहे हैं, यहां तक रीच नहीं कर रहे हैं, कुछ और स्केल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर देखोगे तो बीच वाले काफी बड़े बड़े स्केल हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब पूरी बेली को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भी नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन ऐसे बेली स्केल जो पूरा ऊपर तक पहुंचता है, पूरा ऊपर तक पहुंचते हैं, मतलब एक बेली स्केल जो वेंट्रल प्लेट्स है वो कंप्लीटली तुम्हारे बेली पे लाई करती है, उनको बोल सकते हैं कि ये पॉइजनस हो भी सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन पॉइजनस ही होने वाले हैं, क्यों नॉन पॉइजनस होने वाले हैं।
अब देखेंगे हम नेक्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन जो देखा जाता है वो हेड स्केल्स पे देखा जाता है, जो सर सर पे जो स्केल्स होते हैं ना उसके बेसिस पे देखा जाता है कि कैसे तुम्हारे यू नो चीजें होने वाली हैं। जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल्स की, तो अगर छोटे छोटे स्केल स्केल्स होंगे तुम्हारे हेड रीजन पे, अगर हेड रीजन में बहुत छोटे छोटे स्केल्स तुम्हें अगर देखने को मिल रहे हैं उस वाली कंडीशन में, हो सकता है वो पॉइजनस हो। ठीक है, वो पॉइजनस यहाँ पे हो सकते हैं, वो पॉइजनस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक पिट भी देखने को मिलती है, पिट भी देखने को मिलती है, लोरियल पिट जिसे बोलते हैं। तो ये नॉर्मली हमारे पिट वाइपर होते हैं, ठीक है, पिट वाइपर होते हैं, तो ये भी तुम्हारे क्या होंगे, पॉइजनस यहाँ पे होने वाले हैं, ये भी पॉइजनस होने वाले हैं। इनका जो फर्दर डिवीजन किया जाता है, क्या करके किया जाता है, मैं इसको आगे समझाऊंगी प्रॉपरली, सो डोंट वरी, अभी फिलहाल इतना समझा रही हूँ। एक होता है कोबरा, ठीक है, एक होता है क्रेट, ठीक है, एक होता है क्रेट। दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बस इतना समझा रही हूँ कि जो कोबरा होता है उसका ये देखो, ये नॉस्ट्रल वाला पार्ट है, जहां से तुम्हारे नॉस्ट्रल नाक जैसी होती है, ये तुम्हारे आंख वाला पार्ट है, आंख वाला पार्ट है। एक होता है थर्ड, थर्ड सुप्रालेबियल, सुप्रालेबियल स्केल होता है बेटा, सुप्रालेबियल स्केल होता है। ये स्केल क्या करता है, जैसे ये है तुम्हारा थर्ड सुप्रालेबियल स्केल, ये नॉस्ट्रल को भी टच करेगा और आई को भी टच करेगा। तब ऐसी वाली कंडीशन अगर आती है तो तुम्हारे किस में देखने को मिलती है, कोबरा में देखने को मिलती है, कोबरा में देखने को मिलेगी। अगर मैं क्रेट पे आती हूँ, क्रेट पे आती हूँ, तो इनका जो फोर्थ इंफ्रालेबियल, मतलब लेबियल के नीचे वाला इंफ्रालेबियल स्केल जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे ये माना कि ये वाला है तुम्हारा फोर्थ इंफ्रालेबियल, ये वाला देखो, ये वाला, ये अगर काफी बड़ा होता है तो तुम्हारा उसको क्रेट बोला जाता है, जो पॉइजनस होने वाले हैं। तो हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो पहला आता है टेल रीजन। अगर टेल जो है कंप्रेस्ड है और फ्लैट है तो कहाँ पे देखने को मिलेगी, सी स्नेक्स में देखने को मिलेगी, जो तुम्हारे हाइड्रोफिश होते हैं। तो यहाँ पे जो वीनमस होंगे, मतलब ये पॉइजनस होने वाले हैं, ये बता चुकी थी। अगर जो टेल है सिलेंड्रिकल है और नॉन कंप्रेस्ड है तो उसमें वो पॉइजनस हो भी सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। ये पहला वाला हो गया है। सेकेंड आता है वेंट्रल स्केल्स वाला, बेली स्केल वाला। बेली स्केल में अगर छोटे छोटे स्केल है बेटा वेंट्रल बेली साइड पे, तो मतलब वो नॉन पॉइजनस होने वाला है। जैसे गार्टर स्नेक हो गए, उसमें नॉन पॉइजनस होते हैं, जो नॉर्मली तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेंट्रल स्केल लार्ज तो है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था वो काफी बड़े तो थे, लेकिन वो पूरी बेली तक नहीं आ पाए थे, कुछ और स्केल्स ने उसको घेरा था, तब जाके वो पूरे स्केल्स में कवर होते हैं। मतलब वो बड़े तो होंगे लेकिन पूरा का पूरा कवर नहीं करते हैं, बेली रीजन को कम्प्लीटली कवर नहीं करते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी क्या होते हैं, वो नॉन पॉइजनस होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, पाइथन, जिसे अजगर बोला जाता है कि ना वो खा जाएगा, खाता नहीं है, ठीक है, नॉन पॉइजनस है। पाइथन जो है वो जो तुम्हारा आता है किसमें आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा, नॉन पॉइजनस वाले पार्ट में आने वाला है। थर्ड वाला रीजन, वेंट्रल स्केल्स बहुत ज्यादा ब्रॉड होंगे और वो पूरा बॉडी को एंटायरली कवर करते हैं, बेली रीजन को, तो वो वीनमस हो भी सकते हैं और नॉन वीनमस भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कैसे होने वाले हैं। अब देखो ये छोटे छोटे यूनिफॉर्म बेली स्केल्स हैं, तो ऑब्वियसली नॉन पॉइजनस होने वाला है। ये बड़े बड़े स्केल्स तो थे लेकिन ये पूरा एंड तक नहीं पहुंचे बेटा, उससे पहले छोटे छोटे स्केल्स और भी आ गए, तो ये भी नॉन पॉइजनस होगा। किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है तुम्हारा पाइथन में देखने को मिलेगा, पाइथन में देखने को मिलेगा। अब देखो ये तो एनलार्ज है, काफी बड़े वेंट्रल शील्ड्स हैं, तो ये जो हो सकता है पॉइजनस हो भी सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी यहाँ पे ये हो सकते हैं। ओके, अब फर्दर डिविजन देखेंगे हम हेड स्केल्स के बेसिस पे। नाउ स्मॉल हेड स्केल्स होंगे, छोटे छोटे स्केल्स जो होंगे वो तुम्हारा वीनमस होने वाला है, जैसे अभी मैंने बताया पॉइजनस होने वाला है। अब उसमें क्या हो सकता है, जैसे माना छोटे छोटे स्केल्स में एक लोरियल पिट भी प्रेजेंट हो सकती है बेटा। अगर लोरियल पिट प्रेजेंट है उसमें, छोटे छोटे स्केल्स में अगर लोरियल पिट प्रेजेंट है, तो ये जो दिखाती है थर्मो रिसेप्शन करती है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, मतलब टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसको रिसेप्ट करती है लोरियल पिट। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बेटा, पिट वाइपर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पिट वाइपर हो जाएगा। अगर ये छोटे छोटे स्केल्स है लेकिन लोरियल पिट प्रेजेंट नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पिटलेस वाइपर हो जाएगा, वाइपर हो जाएगा। दोनों के दोनों पॉइजनस यहाँ पे होते हैं, दोनों के दोनों पॉइजनस होंगे। अब अगर हेड रीजन पे लार्ज शील्ड आ जाए, बहुत बड़े बड़े शील्ड आ जाए, तो हो सकता है वो विनमस हो सकता है नॉन विनमस हो, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, फर्दर हमें देखना पड़ेगा। देखो यह है पिट वाइपर, मतलब यहाँ पे क्या है, इसके पास में होगी लोरियल पिट। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारी पिट
है, ये पिट क्रेसेंट के छोटे छोटे बॉडी हेड पे स्केल्स हैं, छोटे छोटे स्केल्स हैं यहाँ, तो ये क्या होगा, तुम्हारा पॉइजनस यहाँ पे होने वाला है। एक चीज और याद रखनी है, जो ट्राइंगुलर हेड होता है जिन स्नेक्स का, ये ट्राइंगुलर हेड होता है ठीक है, वो भी तुम्हारे पॉइजनस में कंसिडर किए जाते हैं। अब नॉन विनमस स्केल इसकी बात करें, देखो बड़े बड़े स्केल्स हैं, बड़े बड़े स्केल्स हैं, और राउंडेड हेड जिसमें होता है वो भी तुम्हारे नॉन विनमस स्नेक में कंसीडर किए जाते हैं। रिमेम्बर दिस, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हमने देखा कि अच्छा छोटे छोटे स्केल्स होंगे सर पे तो तुम्हारा पॉइजनस होगा, अगर बड़े बड़े होंगे तो हो सकता है पॉइजनस हो सकता है ना हो। अब ये किसके बेसिस पता चलेगा, अब हमें पता चलेगा थर्ड सुप्रा लेबियल, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, थर्ड सुप्रा लेबियल लार्जेस्ट एंड टचेस द आई एंड नोस्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेंट्रल्स ज्यादा इनलार्ज नहीं होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं। अब इसका दो पार्ट्स में डिवीजन होता है, अगर उसके पास में हुड है ठीक है, जो तुमने देखा होगा कोबरा के ऊपर एक हुड बना होता है ना, प्रॉपरली एक मार्क बना होता है, मार्किंग बनी होती है, अगर मार्किंग है तो वो कोबरा होगा। अगर उसके ऊपर हुड नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, कोई भी तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कोरल स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, तो तुम्हारा कोरल स्नेक में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये है तुम्हारा कोबरा और ये है तुम्हारा कोरल स्नेक, कोरल स्नेक दोनों के दोनों में क्या होगा, देखो ये है तुम्हारा आई, ये है तुम्हारा नॉस्ट्रिल वाला पार्ट, मतलब स्नेक का ओके। अब ये है थर्ड सुप्रा लेबियल शील्ड, जो आई और नॉस्ट्रिल दोनों को टच कर रही है। अब इसमें हुड भी होगा बेटा और इसमें स्पेक्टिकल मार्क भी होगा, जो मार्क तुम्हें देखा होगा कोबरा में देखने को मिलता है, तो ये वाली कंडीशन जो होती है पॉइजनस होती है ओके। अगर ये हुड और स्पेक्टिकल नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे कोलर स्पॉट्स है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो ये ब्लैक हो गया है, ये भी ब्लैक हो गया, यहाँ पे रेड हो गया है, यहाँ पे रेड हो गया, तो ये जो क्या है कोलर स्पॉट्स है बेटा, ये जो है ये बनाते हैं तुम्हारे कोरल स्नेक को, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉइजनस नेचर के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोरल स्नेक्स पे क्या होगा, कोरल स्पॉट्स होंगे और इसमें हुड और मार्किंग अगर होगी तो कोबरा में हमें इसको बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओनली फोर्थ इंफ्रा लेबियल, फोर्थ इज द लार्जेस्ट इन क्रेट, क्रेट का नाम क्या है बनग्यूरस बोलते हैं बेटा, बनग्यूरस, बनगेरस जो होता है वो क्रेट होता है, जो फोर्थ इंफ्रा लेबियल होता है वो लार्जेस्ट होता है, और वर्टिब्रल्स भी बहुत लार्ज होते हैं, सब कॉर्डल्स जो होते हैं अनडिवाइडेड होते हैं। देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पे सब कॉर्डल्स है अनडिवाइडेड है, उसके बाद में ये जो फोर्थ इंफ्रा लेबियल होता है काफी बड़ा होता है, और तुम्हें बहुत प्रॉपरली यहाँ पे मार्किंग देखने को मिल जाती है, जो वर्टिब्रल्स होते हैं वो काफी एनलार्ज होते हैं, काफी एनलार्ज होंगे, और फोर्थ इंफ्रा लेबियल लार्जेस्ट होता है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं, और ये जो क्रेट होता है जिसे बनगेरस भी बोलते हैं, ये पॉइजनस नेचर के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है याद रखना है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ओके। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम एक बार लास्ट बार देख लेते हैं कि विनमस स्नेक में और नॉन विनमस स्नेक में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर हम विनमस स्नेक की बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, इन अपर जॉ, ऊपर वाले जॉ में टू फैंग्स आर प्रेजेंट विच आर मॉडिफाइड टीथ, दो फैंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो टीथ की जगह क्या बन जाते हैं, फैंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। लेकिन नॉन विनमस मतलब जिसके पास कोई जहर ही नहीं होता, कोई जहर ही भी नहीं है उसमें, सब विनम ही नहीं है उसके अंदर, तो ऑल द टीथ इन द अपर जॉ आर यूनिफॉर्म एंड नो फैंग्स प्रेजेंट, क्योंकि कोई भी उसके पास फैंग्स प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन विनमस है। स्नेक बाइट मार्क, अगर किसी को स्नेक खा जाता है ठीक है, और अगर वो विनमस स्नेक है या फिर नॉन विनमस स्नेक है, अगर हमें इसका पता करना है तो हम पता कैसे कर सकते हैं, अगर सिर्फ एक या दो पंक्चर लगे हैं, जैसे मतलब एक या फिर दो पंक्चर अगर लगे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये विनमस स्नेक ने काटा है। लेकिन अगर बहुत सारे पंक्चर लगे हैं, जैसे ये इतने सारे अगर लगे हुए हैं, तो मतलब समझ जाना कि वो नॉन विनमस स्नेक का, बस तुम्हें डरा के वो चला गया है और कुछ भी नहीं कर सकता है वो तुम्हारा, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद कलर अगर देखोगे, ब्राइट कलर होता है, जबकि इसका कोई भी ज्यादा ब्राइट नहीं होता है, और मतलब ज्यादा ब्राइट कलर कलरेशन जो है देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पाइथन वगैरह में कभी कभी ब्राइटली कलर देखने को मिल जाता है। हेड रीजन जो होगा ट्राइंगुलर होगा, ब्रॉड होगा, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ट्राइंगुलर होगा और ब्रॉड होगा, जबकि इसका शॉर्ट और इलोंगेटेड होता है, शॉर्ट और इलोंगेटेड देखने को मिलता है। टेल जो होगी फ्लैट होगी या फिर कंप्रेस्ड होगी, सिलेंड्रिकल होने वाली है, जबकि यहाँ पे सिलेंड्रिकल और ब्लंट कंडीशन जो है देखने को मिलती है। वेंट्रल स्केल जो होंगे लार्ज होने वाले हैं, ऑब्वियसली एंटायर लेंथ पे देखने को मिलेंगे, जबकि स्मॉल होंगे और पूरी बेली को रीजन को कंप्लीट कवर नहीं करते हैं।
हेड स्केल जो है स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, लेकिन ये लार्ज अगर शील्ड होंगे तो ऑब्वियसली वो नॉन विनमस होने वाला है। और डॉर्सल स्केल मतलब जो हेक्सागोनल होते हैं क्रेट में, जो स्मॉलर होते हैं, जबकि अगर वो लार्ज है तो वो तुम्हारा क्या होगा, नॉन विनमस स्नेक में देखने को मिलने वाला है। तो आई होप ये चीज कवर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्नेक देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका जो तुम्हें कॉमन नेम है वो पता होना चाहिए। देखो टिफ्लोप्स जो है उसको ब्लाइंड स्नेक बोला जाता है और ये ओविपेरस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन जो है अजगर जिसे बोला जाता है ये नॉन पॉइजनस होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनिस जो होता है टाइस जिसे बोला जाता है धमन, ठीक है, धमन इसको बोला जाएगा। डेंड्रोफिस जो है ट्री स्नेक है जो ग्रीन कलर का थोड़ा बहुत दिखता है। एनहाइड्रना जो है विविपेरस हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स वाला इंपॉर्टेंट है क्रोटेलस। देखो क्रोटेलस क्या होते हैं, ये रेटल स्नेक होते हैं, रेटल स्नेक होते हैं। ज्यादा मैं इसको डीप में इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे सिर्फ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक पढ़ाने थे, तो अगर इनको कभी भी डिटेल में डिस्कस करना हुआ तो मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगी। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। रेटल स्नेक बेसिकली क्या होता है, जो इनकी टेल रीजन होती है उसे रेटल प्रेजेंट होते हैं, टेल के एंड रीजन पे रेटल प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ये मूव करता है ना बहुत आवाज करता है, बहुत नॉइज करता है। तो याद रखना है जो क्रोटेला जो होता है रेटल स्नेक होता है और इसके टेल पे रेटल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से नॉइज जो है क्रिएट होती है, नॉइज क्रिएट होती है। नाउ पॉइजनस स्नेक देख लेते हैं। रसेल वाइपर है जिसे डेबोई रसेल भी बोला जाता है, एक पिटलेस वाइपर है जो मैंने तुम्हें बताया था, पिट अगर प्रेजेंट नहीं होगी, और जो वीनम होता है हीमोटॉक्सिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो पिटलेस वाइपर जो होगा हीमोटॉक्सिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्रेट की बात करते हैं जो तुम्हारा कोबरा के साथ में था, जैसे मैंने बनगेरस तुम्हें बताया था जहाँ पे फोर्थ इंफ्रालेबल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है इसका जो वीनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। अब अगर हम सॉ स्केल्ड वाइपर की बात करते हैं, ये एक जिगजैग डार्कर पैटर्न में देखने को मिलता है और एट शेप में ऐसे करके, पूरा एट शेप में ऐसे करके ये पूरा ऐसे कवर होके बॉडी को शेप ऐसे कॉइल करके सो जाता है, तो मतलब आराम करता है, और हीमोटॉक्सिक नेचर का होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम पिटलेस वाइपर की बात करते हैं और हम बात करते हैं किसी भी वाइपर की, तो नॉर्मली जो वाइपर होते हैं वो हीमोटॉक्सिक नेचर के होते हैं, हीमोटॉक्सिक नेचर के होते हैं। जबकि हम क्रेट की बात करते हैं और हम कोबरा की बात करते हैं, कोबरा और केट दोनों के दोनों न्यूरोटॉक्सिक नेचर के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक के होंगे। अब जो रेटल स्नेक होता है ये बता चुकी हूँ। देखो जो स्पेक्टिकल कोबरा होता है जिसे हम नाजा नाजा भी बोलते हैं, और ये तुम्हारा टॉटोनिम का एग्जांपल भी है, टॉटोनिम का एग्जांपल भी है क्योंकि नाजा नाजा दोनों रिपीट हो रहा है। दे शो देयर हुड बाय स्प्रेडिंग द रिब्स नियर द नेक रीजन। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि हुड को कैसे स्प्रेड करता है, किसकी वजह से, रिब्स की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्प्रेडिंग द रिब्स नियर द नेक रीजन। ऑल द हुड मार्क्स ऑफ द कोबराज आर डिफरेंट, जैसे तुमने टाइगर्स की स्ट्रिप्स देखी होंगी सारी अलग अलग होती है, वैसे सारे हुड मार्क्स सारे कोबराज के वो भी अलग अलग होते हैं। वीनम जो होता है इसका न्यूरोटॉक्सिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है अगर वाइपर्स की बात करेंगे तो हीमोटॉक्सिक होने वाला है, अगर हम क्रेट की बात करेंगे, बनगेरिस की बात करेंगे, फिर कोबरा की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिक जो है वो होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक। अगर किसी को कुछ भी अगर इशू आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहां से देख लूंगी और नेक्स्ट वीडियो में पक्का से मैं उस चीज को और बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस हो जाती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से जितना हो सकता है उतना शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रही होगी, और अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।